गाइस, गाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप बढ़िया होंगे मजे में होंगे और सुरक्षित भी होंगे देखिए गाइस, कोविड 19 कहीं ना कहीं चल रहा है और उसकी वजह से सतर्क रहिए दूसरा ठंड का मौसम है उसमें भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है तो साथियों आज जो है हम यहां पर ए आई सी एल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो एग्जाम हुआ था आपका दो दिन पहले उसी एग्जाम को हम यहां पर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कह सकते हैं कि काफी टेक्निकली जो है आ, पूछे गए थे या कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी पूछे गए थे तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन थे और मैं ओवरऑल कहना चाहूंगा कि एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल का था किस लेवल का था मॉडरेट तो यहां पर आपको जो है आज इस एग्जाम के अंदर इस कंप्लीट एग्जाम के अंदर क्या हुआ किस प्रकार के क्वेश्चन रहे वो सारा का सारा हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि टेलीग्राम आज नहीं चल रहा है तो जिसकी वजह से यहां पर अब मैंने सोचा कि शायद टेलीग्राम कहीं ना कहीं पता नहीं क्या दिक्कत हुई है हमने सोचा कि शायद हमारी टेलीग्राम में दिक्कत है तब उसको देखा उसी प्रॉब्लम की वजह से आपका लेट हो गया अदरवाइज कहीं कोई किसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है ना और दूसरा अपना जो वन के वहम होते हैं ना कुछ लोगों को लगता है कि है ना डर तो देखो आज एक चीज मैं बोल दूं कि एग्रीमेंटर्स डर की वजह से नहीं अपनी पावर की वजह से बिल्डअप हुआ है और ये आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो आज जो है हम यहाँ पर आपका सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं और बाकी भी हमारे जो सोशल मीडिया चैनल है उनको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको डेली जो है आपको क्वेश्चंस और बाकी अपडेट्स मिलते रहें और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा आई एफ जो आपका एग्जाम है वो उसके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो जल्दी से जाकर इस चीज को जो है ज्वाइन करें चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो यहां पर आपको याद होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एफपीओ का क्वेश्चन आया था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया था याद होगा आपको और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों के साथ वही उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आपका इस भी एग्जाम में जो है पूछ लिया गया तो सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये सेम बार बार आपका आ रहा है एफपीओ में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपका, आपका जो है टॉपिक ये कहीं ना कहीं बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो इससे कंफ्यूज मत होइए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कई बार आपका एक्सप्लेन कर दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक्सप्लेन किया था तो इसके एक्सप्लेनेशन ज्यादा यहां पर नहीं दूंगा मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसको केवल आप लोग जो है यहां पर इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि जो लीगल एंटिटी है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है यहां पर फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूसर फिशरमैन विच कैन बी प्रोड्यूसर कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी लीगल फॉर्म विच प्रोवाइड शेयरिंग और प्रॉफिट अमंग मेंबर में एक दस या फिफ दस या पंद्रह ग्रुप का एक मेंबर होता है एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि सभी लोग आपस में शेयरिंग करते हैं आपका जो जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसका और इसमें आपको

चीजों को जरूर पढ़िए मेहनत करिए और एक चीज इतना बोलना चाहता हूं कि अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करिए ठीक है बार बार आपको बोलता हूं और जितना हो सकता है यहां पर जब आते हो आप लोग मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप यहां पर आते हो कमेंट में अननेसेसरी कुछ भी मत बोले कल जब रात आपका लाइव चल रहा था बहुत सारे बच्चों ने जो है आपस में आ, डिस्प्यूट करना स्टार्ट कर दिया था मैं बार बार बोलता हूं यार आपको इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला मेहनत करिए और क्वेश्चन वैलिड पूछिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री का रिजल्ट बेटा अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्री का रिजल्ट में भी दो या चार दिन में आ जाए क्योंकि ईबीपीएस जो कलरक का रिजल्ट है वो दस दिन पहले आया था ठीक है चौबीस तारीख को एग्जाम है चौदह तारीख को उसका रिजल्ट आया था 14 को उसी के अकॉर्डिंग थर्टी को आपका एग्जाम है तो बीस तक आपका रिजल्ट का वेट कीजिए और एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा मैं आपको इतना बता सकता हूं किसके बारे में आपके जो है आईबीपीएसल्ट के रिजल्ट के बारे में ठीक है तो जल्दी से सुनिए और जल्दी से देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार बहुत जरूरी है आप लोग क्या कर रहे हो बेटे बेटे जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चलिए तो यहां पर आपका ये क्या होती है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है चलिए यहां पर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर अटसली सुगरकेन के बारे में था देखो अब क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट ऑप्शन अपने पास नहीं है तो मैं यहां पर केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने की बात करूंगा उनके रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उनको भी यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो जल्दी से इनको यहां पर देखिए तो सबसे पहले यहां पर क्या है कि अटसली सुगरकेन क्या होता है अटसली सुगरकेन देखो यहां पर सुगरकेन की जो प्लांटिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग आपका यहां पर जो अटसली सुगरकेन है उसको प्लांटिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है डिवाइड हुआ है तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर स्प्रिंग ऑटम और अदसली ये तीन प्रकार की मेनली सोइंग होती है और यहां पर लेट प्लांटिंग होती है मैंने क्या बोला लेट प्लांटिंग ये आपकी कहीं ना कहीं लेट प्लांटिंग तब होती है जब आपका टाइम निकल जाता है जैसे मार्च से आगे निकल जाता है ना तो उसमें यील्ड भी आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर जो स्प्रिंग की सोइंग है वो फरवरी मार्च में होगी ठीक है ये मेनली महाराष्ट्र के अंदर एक्चुअली गुजरात और आपका यहां पर आंध्र प्रदेश में की जाती है और ऑटम जो होती है सेप्टेंबर अक्टूबर में की जाती है ये थर्टीन टू फिफ्टीन मंथ इसका जो है टाइम लग जाता है और जो अडसली शुगर केन होती है उसमें 16 टू 18 मंथ आपके लगते हैं जून जुलाई में इसकी सोइंग आपकी की जाती है और यहां पर इसमें यील्ड में और सुगर रिकवरी में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा यानी कि एडवांटेज जो है इसका कहीं ना किया गया है कि आपका वाटर प्रॉब्लम की वजह से इसका एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है यानी कि इसका टाइम ड्यूरेशन लंबा होने की वजह से वॉटर जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है तो जिसकी वजह से इसको हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं ठीक है अब यहां पर आपको मैं दिखा दूं कि नोट्स में भी हमने जो है पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि जो आपका शुगर केन है उसके लिए सोयल की रिक्वायरमेंट होती है लोमी या फ्री फ्रोम सेलाइन एसिडी और ग्रोइंग सीजन आपका यहां पर दिखाया गया है ओटम जिसे आप प्री सीजन बोलते हो स्प्रिंग जिसे आप सीजनल बोलते हो और अजसली जिसे है ना और जो आपका प्लांटिंग टाइम है जून जुलाई उसी प्रकार से सीड रेट जो है ये थ्री बजट सेट के लिए किसके लिए आपका थ्री बजट सेट के लिए सेवेंटी फाइव टू एट्टी क्विंटल पर हेक्टेयर या फिर आपका टू बजट सेट के लिए यहां पर आपका है हंड्रेड क्विंटल पर हेक्टेयर उसी प्रकार से आपका ट्रीटमेंट जो करते हैं वो हम या फिर एरोटोन से करते हैं, है ना? ताकि हमारे अटैक ना करेंट ग्रास वेल्टिंग से जिसमें जिस टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस होता है रिलेटिव 99 होती है पीरियड आपका यहां पर कितने घंटे के लिए ढाई घंटे तक उसको रखा जाता है और ये डिजाइन किसने किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर जो लखनऊ में प्रेजेंट है उन्होंने इसको क्या किया था डिजाइन किया था हमेशा याद रखिए कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहां पर आता है तो देखो अगर आपका 16 टू 18 मंथ यहां पर जो है लिया जाता है तो क्वेश्चन यहां पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 16 टू 18 मंथ एंड जून जुलाई मेंशन इन क्वेश्चन तो जून जुलाई अगर मेंशन किया गया है और 16 टू 18 मंथ मेंशन किया गया है तो जून जुलाई आपका यहां पर अजसली के लिए ही यूज होता है तो आपको क्वेश्चन कैसे मर्जी पूछा जाए वही बात है ना कि अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली मैं आपको यहां पर बोल सकता हूं आपका कभी भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मैंने क्या बोला कि अगर आप लोग यहां पर इसकी नॉलेज रखते हो तो क्वेश्चन का आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा समझ में आया चलिए सॉरी डियर मैं कट ऑफ को यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा जल्दी से आप प्लीज इसको पढ़ने की कोशिश करिए कितने क्वेश्चन हैं कितने नहीं हैं पांच क्वेश्चन भी नहीं है भाई है ना आप प्लीज मैं बाय रिक्वेस्ट बोल रहा हूं कि पढ़ने की कोशिश करो और एक काम करना यार अगर इस प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो ब्लॉक उसको है ना चलिए क्योंकि नॉर्मली जो बातें हैं वो तो इनको करनी नहीं है अगला क्वेश्चन है सिल्वर टॉप ऑफ अनियन कोज ड्यू टू द अटैक ऑफ जो सिल्वर टॉप है अनियन के अंदर वो किसकी वजह से होता है क्या फाइटोप्लाज्मा, वायरस बैक्टीरिया माइट या फिर थ्रिप तो याद रखना ये हमारा यहां पर थ्रिप्स की वजह से होता है किसकी वजह से होता है आपका थ्रिप्स की वजह से होता है और इसमें देखो मैं आपको कहानी समझाता हूं इसकी क्या है देखो जो आपका अनियन के अंदर जो थ्रिप्स है इसका थ्रिप्स टेबे आपका साइंटिफिक नेम और ये आपका मोस्ट सीरियस जो है अनियन का पेस्ट होता है इसमें अगर हम बात करें तो अनियन थ्रिप्स या फिर इसको थ्रिप भी बोला जाता है या फिर इसको जो है हम अनियन लाउज के नाम से भी जानते हैं अगली बात क्या है कि इट कोज इंजरी टू अनियन क्रॉप प्रैक्टिकली थ्रू आउट द कंट्री प्रोड्यूसिंग ए कंडीशन समवट जनरली नोन एज वाइट ब्लास्ट व्हाइट ब्लाइट एंड सिल्वर टॉप देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर सुनना ध्यान से कि अगर इसका जो इंजरी है वो होने के बाद इसको जो है वाइट ब्लास्ट व्हाइट ब्लाइट या फिर सिल्वर टॉप के नाम से जाना जाता है यानी कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से भी आ जाए तो आपको यहां पर डरना नहीं है उसके बाद है इट इज ऑल्सो द कोज ऑफ सकुलिनस और थिक नेक अंडर डेवलप्ड और अनमार्केटेबल बल्ब यानी कि क्या होता है आपको पता होना चाहिए यहां पर जो आपका बल्ब होता है अनियन का वो अनमार्केटेबल और अंडर डेवलप हो जाता रह जाता है यानी कि प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता और यहां पर याद रखना पड़ेगा कि हमारी जो कंडीशंस दी गई है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा या फिर किसी और चीज से कैसे आ जाएगा तो वो आपकी मिसेलियस चीजें मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आपकी कवर की जाए ठीक है चलिए इसी के साथ आपके अगला एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन आया था अगला क्या था अगला क्या आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन के ऊपर क्वेश्चन आया था एग्रो एग्रो क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक जोन जोन को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं एग्रो जोन आप सब लोग जानते होंगे कि इंडिया के अंदर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो दिया किसने था तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो आपका किसने दिया था प्लानिंग कमीशन ने दिया था किसने दिया था प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग कमीशन ने टोटल आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने दिए थे तो याद होना चाहिए ये हमारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे बाद में उनको डिवाइड किया गया किसके द्वारा आईसीआर के द्वारा या या आईसीआर के द्वारा द्वारा रिक्लासिफिकेशन किया गया तो उसके अकॉर्डिंग कितने थे जल्दी से आंसर चाहिए कि आपका यहां पर आ, थैंक यू अमन सबसे पहले तो एंड अमन बिश्नोई ये भाई आपको मैं पहले बता दूं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं है ना रिसेंटली आर आर बी एस ओ के अंदर जो ई वी डब्ल्यू एस कैटेगरी है उसमें टॉपर पर्सन था है ना और भगवान करे कि आप है ना अच्छे से ग्रो कीजिए

उसको डिवाइड करने का काम किसने किया था नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग इन्होंने इसको डिवाइड किया था और कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था सॉरी एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने डिवाइड किए थे तो उन्होंने ट्वेंटी वन आपके किए थे अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो चुके हैं कितने हो चुके हैं पहले ट्वेंटी थे अभी ट्वेंटी वन और उसके बाद अगर हम बात करें तो आईसीआर ने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिवाइड किए हुए हैं आठ एट आईसीआर के द्वारा एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो कितने हैं आपके आठ हैं और एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो हमारे कितने हैं यहां पर है आपके अगर हम बात करें यहां पर तो आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग फिफ्टीन है और आईसीआर के अकॉर्डिंग आपके वन थर्टी वन है आपके सॉरी अभी ट्वेंटी है पहले ट्वेंटी थे बिल्कुल सही बात है है ना और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये देखिए एग्रीमेंट आपका यहां पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन और स्टेट्स दिए गए हैं इनको जरूर याद कर लीजिएगा कई बार यहां से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि वेस्टर्न हिमालयन जोन में कौन सा स्टेट है ईस्टर्न हिमालयन जोन में कौन सा स्टेट है लोअर गगेंटिक प्लेन में कौन सा जोन है मिडिल गगेंटिक प्लेन में कौन सा जोन है इनको जरूर याद करिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो जरूर पढ़े जरूर मेहनत करें क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना स्वाभाविक आपका है चलिए आ, एक क्वेश्चन आपका बास्ट फाइबर से था कि बास्ट फाइबर क्या है या बास्ट फाइबर का जो भी क्वेश्चन था मुझे क्वेश्चन तो पता नहीं है क्योंकि मैं जस्ट एक टॉपिक को हिंट लेके यहां पर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो जूट आपका है या फिर आप, यहां पर आपका सनहेम्प है या फिर आपने यहां पर देखा होगा रेमी ये सारे के सारे स्टेम फाइबर होते हैं इनको आप लोग बास्ट फाइबर के नाम से जानते हो मैंने क्या बोला आपका यहां पर सनहेम्प जूट और रेमी ये हमारे यहां पर क्या होते हैं अगर हम बात करें तो आपका तीनों के तीनों बास्ट फाइबर के नाम से जाने जाते हैं और याद रखना जूट जो है जूट के लिए अगर हम बात करें तो कारकोरस कैप्सुलरिस्ट जो हमारा व्हाइट जूट होता है और कॉर्कोरस ओलियोटरिस जो है वो आपका तोसा जूट होता है इसमें अगर हम बात करें तो फैमिली टीलियसी है क्रोमोजोम नंबर

आपके वाइट जूट से ठीक है और उसी प्रकार से सनहेम्प की अगर हम बात करें तो क्रोटोलेरिया क्रोटो जूनसिया ये इसके अदर नेम जो है वो सनहेम्प बॉम्बे हैप, या फिर आपका बनारस हेम्प के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये आ, अगर हम बात करें एरिया इंडिया में सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है उड़ीसा उसके बाद यूपी में ये प्रोडक्शन होता है और बोटनी यानी कि इंडिया और इंडो बर्मा रीजन इसका ओरिजन है फैमिली इसकी लेग्यूनेसी है सब स्पीसीज इसकी पेप्लिनेसी है इनफ्लोसेंस रेसिमी है क्रोमोजोम नंबर आपका टू सॉरी टू एन है और यहाँ पर फ्रूट जो है वो इसका क्या होता है ड होता है तो इनको जरूर याद करें क्योंकि कई बार यहां से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं तो बास्ट फाइबर के रिलेटेड आपका यहां पर जो आंसर होगा वो मिल गया होगा ठीक है चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपके अगले पडलिंग अरे यार ये तो कल ही समझाया था मैंने ना पडलिंग क्या होता है आपका जब सोइल के अंदर सोयल की वेट कंडीशन में आपके राइस के के राइस के 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 फील्ड अंदर को ट्रांसप्लांट करने लिए और ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो फील्ड में हम क्या करते हैं वेट कंडीशन में वॉटर स्टेग्नेट कंडीशन में क्या करते हैं हम हमारा टिलेज करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग यहां पर पडलिंग बोलते हैं पडलिंग फाइव टू सेवन सेंटीमीटर वॉटर स्टेगनेट कंडीशन में किया जाता है याद होगा कल मैंने यहां पर इसके बारे में समझाया था कि कल आपका पूरा का पूरा पडलिंग जो तो होगा कही ना कहीं उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन जो वॉटर होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है किसको जो वॉटर जो होता है वो इनफिल्ट्रेट होता रहता है उसको रोकने के लिए एक प्रकार से वहां पर आपका हार्ड क्रिएट करने के लिए क्या होता है इसको पर किया जाता है ठीक है तो यह भी आपका यहां पर याद रखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो रेनी डे देखो इंडिया में रेनी डे किसको माना जाता है तो आईएमडी आईएमडी जानते होंगे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका न्यू दिल्ली में है इनके अकॉर्डिंग एक रेनी डे वो होता है जब आपका रेनफॉल जो है वो 2.5 पॉइंट फाइव एम या उससे ज्यादा हो मैंने क्या बोला जब भी किसी दिन में आपका दो दशमलव पांच एम एम टू पॉइंट फाइव एम एम से ज्यादा हो है ना तो उस कंडीशन में यहां पर हमारा वो रेनी डे के नाम से कहलाया जाएगा दूसरी बात इन्होंने एक चीज और मेंशन की हुई है कि आपका रेन जो है वो आपका हैवी हो सकता है क्या बोला रेन हैवी हो सकता है अगर बारिश आपका कितना है छह सौ पचास एम एम से ज्यादा है और वेरी हैवी हो सकता है अगर वो मोर देन थ्री थर्टीन हंड्रेड आपका एमएम mm है तो इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिए समझ में आया चलिए इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन था कि विच पावर टेक ऑफ फोर्स पावर ट्रैक्टर इज यूज टू लार्जर एक्सटेंट इन इंडिया तो इंडिया के अंदर जो जो यूज किया जा रहा है वो 40 पीटीओ आपका हॉर्स पावर जो है यहां पर यूज किया जा रहा है देखो मैं आपको एक चीज और यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों ने एस एम ए एम सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सब मैकेशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो टू थाउजेंड के अंदर रिवाइज भी हुई थी सब्सिडी उसकी उन्हीं की जब गाइडलाइन आई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उन्होंने बोला कि जो है इंडिया के अंदर आपका अभी तक जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी है वो 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर है क्या बोला कि इंडिया के अंदर जो नेशनल के अंदर आपका इंडिया में फार्म पावर अवेलेबिलिटी है वो आपका ओन एन एवरेज टू पॉइंट पर हेक्टेयर है उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इंडिया के अंदर इसको इंक्रीज करना चाहते हैं टू किलोवाट पर हेक्टेयर अब यहां पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो ये आपका फार्म पावर अवेलेबिलिटी है इसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन बहुत बहुत कम है, लो लेवल पे है आज हम लोग अगर चाहते हैं कि तो कही यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो की प्रैक्टिस के अंदर टाइम कंज्यूमिंग जो होता है उसको कम कर देता है साथ में आपके एक दिन में हम ज्यादा काम कर सकते हैं समझ में आया और दूसरा यहां पर जो ट्रैक्टर है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अगर की बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो 40 टू 50 एचपी ट्रैक्टर की हुई है देखो यहां पर मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा हूं 2016 के बाद बाद का। अगर 2018 की रिपोर्ट आई थी उस समय बोला गया था कि दो आपके दो हजार के अंदर बोला गया था कि 40 से 50 एचपी के ट्रैक्टर इंडिया में सबसे ज्यादा बिके हैं उसके बाद आपके 30 टू 40 एचपी के बिके हैं लेकिन यहां यहां पर पर 40 जो है वो है वो कॉमन इसलिए यहां पर पता होना चाहिए कि इंडिया में जो आंसर जो आएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला ट्रैक्टर है वो कौन सा है फोर्टी है तो इसका आंसर बिल्कुल सही करिए अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए वहां पर कि थर्टी टू फोर्टी और आपका फोर्टी टू फिफ्टी तो अब हम यहां पर आंसर 42 50 करेंगे 32 40 नहीं करेंगे बोलोगे सर यहां पर तो मैक्सिमम ऑप्ट की अगर हम बात करें तो देखो यार एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं यहां पर 32 40 40 और टू में से किसको यूज करेंगे तो देखो यार जब आपका गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिंग किसकी हुई है फोर्टी टू फिफ्टी एचपी की हुई है तो आप लोग कैसे आंसर कर सकते हो थर्टी टू फोर्टी ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं आप लोग अगर वहां पर आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्वेश्चन अगला है टाइप ऑफ फार्म फेंसिंग प्रोवाइड साइकोलॉजिकल बैरियर टू द एनिमल फार्म एनिमल जो होते हैं उनको साइकोलॉजिकल बेरियर जो है वहां पर क्रिएट होता है क्या केबल वायर से होता है वुवन वायर से होता है इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से होता है बाब वायर फेंसिंग या फिर हाई टेंसाइल वायर फेंसिंग से होता है तो याद रखना कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होता है वो इसका राइट right आंसर रहेगा क्या इलेक्ट्रिकल फेंसिंग जो है वो आपका राइट right आंसर रहेगा ठीक है तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग जो है वो राइट right आंसर क्यों रहेगा देखो जब आपका एनिमल वायर के टच में आएगा और खासकर जो सोलर फेंसिंग की बात हो रही है वहां पर इसके बारे में डिस्कशन भी होता है है ना तो आपका क्या होता है कि जब आपका एनिमल जैसे ही तार के साथ अटैच में करेगा तो उसको एक शोक लगेगा और उस शोक की वजह से उसका जो साइकोलॉजिकल बेरियर है वहां पर वो क्रिएट हो जाएगा और बाद में वो उसके आसपास में कभी भी नजरें नहीं आएगा समझ में आया तो इसकी वजह से याद रखना इलेक्ट्रिकल फेंसिंग जो है वो यहां पर किसका काम करेगा जो है साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करेगा नेक्स्ट आपका है कस्टम हायरिंग सेंटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कस्टम हायरिंग सेंटर है ना क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है कि क्या था मैं क्वेश्चन में वहां पर नहीं था लेकिन इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसके बारे में क्या कहानी है देखो कस्टम हायरिंग सेंटर अगर हम बात करें तो सब लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर मेनली कस्टम हायरिंग सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इंडिया में फार्म पावर जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाए मैकेनाइजेशन को इंप्रूव किया जाए उसी के साथ जो मशीनरीज का यूज है इंडिया के अंदर उसको इंप्रूव किया जा सके उसी हम यहां पर क्या कर रहे हैं आपका जो है कस्टम हायरिंग सेंटर को डेवलप कर रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो बोला जाता है देखो कस्टम हायरिंग सेंटर में वैसे तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि इसके लिए सीएच मशीनरी मशीनरी ऐप ऐप बनाया बनाया गया बना गया है? बनाया गया है 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 क्या भी ना तो यहां पर इसके बारे में अगर हम बात करें तो कस्टम हायरिंग सेंटर एग्रीकल्चर जो इंप्लीमेंट होते हैं उनकी एक दिन के अंदर वो कितना एरिया कवर कर सकते हैं टेन हेक्टेयर पर डे कवर कर सकते हैं और एटलीस्ट हंड्रेड हेक्टेयर क्रॉपिंग सीजन में कवर कर सकते हैं क्या बोला गया कि आपका यहां पर जो टेन हेक्टेयर पर डे या फिर एटलीस्ट थ्री हंड्रेड हेक्टेयर हो सकता है उसके बाद में अगर हम बात करें तो ईच हाईटेक हब जो है वो यहां पर आपका कितना कवर कर सकता है 500 हंड्रेड हेक्टेयर कवर कर सकता है आपका एक क्रॉपिंग सीजन में देखो हाईटेक अगर हब होगा तो वो 500 हंड्रेड हेक्टेयर कर लेगा लेकिन कॉमन अगर नॉर्मल आपका एवरेज आपका सीएससी है तो वो यहां पर आपका टेन हेक्टेयर पर डे और एटलीस्ट हेक्टेयर एक सीजन में आपका कवर कर लेगा क्वेश्चन uh, नहीं था आई डोंट नो अगर मुझे क्वेश्चन मिला है तो मैंने तभी एक्सप्लेन किया है वरना मुझे कोई मजा नहीं आ रहा अगर क्वेश्चन नहीं था तो कोई इशू नहीं है आपको कम से कम आगे आने वाले एग्जाम में जो है इसकी हेल्प मिल सकती है लेकिन आई डोंट नो कि मुझे किसी ने बोला तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको आंसर करने का काम किया है चलिए तो आपका जो है अगला क्वेश्चन था एयर स्टैंडर्ड ऑटोसाइकिल कंसिस्ट ऑफ जो आपका एयर स्टैंडर्ड आपका ऑटोसाइकिल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है तो याद रखना टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टू आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है

फोर वन ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर ये यह रहा ऑटो साइकिल कारनोटर साइकिल डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल ये यह आपके यहां पर चार कंपोनेंट मैंने बता दिए जो आपके अलग अलग हैं ऑटो साइकिल ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स और जिनमें आपका अलग अलग प्रकार से जो टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम या फिर प्रेशर का जो आपका कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका एक्सप्लेनेशन हो गया समझ में आ गया चलिए क्योंकि बाकी थोड़ा सा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रॉपर नॉलेज देखो वही बात है ना कि एक चीज को जानना बहुत जरूरी होता है मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को लेकिन मैंने कभी भी नहीं बोला कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है उसमें मैं आपका हार्ड एंड फास्ट आपको एक एग्जैक्ट चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं है ना तो इसके लिए मेरे पास मैं माफी चाहूंगा लेकिन आपको जो है इसके बारे में जो आंसर दिया गया है

की बात करें तो ये एक इंटेग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का किसका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये आपका यहां पर किसका इंटेग्रल पार्ट है तो ये किसका इंटेग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का

केवी के की एक्टिविटीज होती हैं तो कभी भी इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसको जरूर आंसर करने का काम करना देखो डियर आप खुद सोचिए जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है है उतना सारा का सारा का आपका यहां पर कवर किया गया तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि ये नॉलेजफुल है और आपको इससे नॉलेज मिल रही है तो एक काम करिए जल्दी से लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब तीनों ये काम कर दीजिए और साथ में अगर कमेंट कर सकते हो तो वो तो

इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्राउन चोकिंग इन कोकोनट की क्राउन चोकिंग जो है वो कोकोनट में क्या हो रहा है देखो क्राउन चोकिंग जो है पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी डेफिशिएंसी की, की वजह से होता है बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है इसमें क्या होता है देखो डियर कि यंग प्लांट जो होते हैं जिनकी एज ग्रुप अप्रोक्सिमेटली फाइव टू टेन ईयर होती है वो ज्यादातर इसमें क्या होता है? होना स्टार्ट हो जाती है क्या हो जाती है डिफोर्म होना स्टार्ट हो जाती है और इसमें एक चीज और याद रखना कि इसके अंदर स्वीय टिप जो नेक्रोसिस होता है उसको हम यहां पर हुक -लिप भी बोलते है। हुक लीफ भी बोलते हैं तो एग्जाम में कभी ये भी हो सकता है कि हुक लीफ जो है किसमें देखने को मिलता है तो याद रखना हुक लीफ आपका यहां पर जो क्राउन चौकिंग होता है कोकोनट में उसी में ही देखने को मिलता है याद रखना ये जो दोज फेल्स टू एंड दिस क्राउन चोकिंग, क्या होता है कि ये जो आपके लीफलेट एकदम आपको पहले ही पता है बोरोन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी कहानियां आप लोग जानते हो क्या बोरोन जो होता है मेनली आपका प्लांट के अंदर क्या होता है कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट है सब लोग जानते हैं कि आपका ये क्या है इमोबाइल न्यूट्रिएंट होता है और याद रखना अरे चंद्रिका प्रसाद सक्सेस ऑफ के के चंद्रिका प्रसाद नहीं है मोहन सिंह मेहता है चंद्रिका प्रसाद इज ओनली इन द यूपी समझ में आया ये जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं चंद्रिका प्रसाद आंसर आपका गलत है सक्सेस चंद्रिका प्रसाद नहीं है कहीं भी अगर आप हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उठाओगे उसमें जब जाओगे तो उसमें भी कहीं भी चंद्रिका प्रसाद का नाम भी नहीं है याद रखना और एक चीज हमेशा याद रखना डियर कि उसमें जब आपका आप कहीं भी पढ़ोगे तो चंद्रिका प्रसाद हैज प्लेड ए इंपोर्टेंट रोल इन केवी के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका डिस्बर्समेंट इन द यूपी में उनका एक इंपोर्टेंट रोल रहा था लेकिन उसके अलावा उनका जो रोल है मेनली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका मोहन सिंह मेहता का ही जाएगा ठीक है चलिए

कि आपके जो आपके पाम के अंदर ये जो यहां पर क्राउन चोकिंग हो रहा है कोकोनट में वो उसका ही मेन रीजन होता है और एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स यानी कि अगर बोरोन की वजह से कमी हुई है तो डेफिनेटली यहां पर बोरेक्स ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा 50 टू 100 ग्राम पर पाम टू कोकोनट बेसिन रिजल्ट इन रिकवरी ऑफ इफेक्टेड पाम अगर हम चाहते हैं कि वो इंप्रूव करे तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा आपका जो बोरेक्स है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा और बोरेक्स कहां पर अप्लाई करेंगे वो हम रूट जोन में अप्लाई करेंगे ताकि प्लांट आपका प्रॉपरली उसको अपडेट कर सके सके okay, समझ में आ गया चलिए तो इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखो यहां पर केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ए ग्रेप ग्रेप के अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है उसको रोकने के लिए हमें किसको यूज करना चाहिए जेबरलिन को ऑक्सीजन को

ये एबसिसल जो लेयर बनती है उसका रीजन क्या होता है एंडोजीनस रीजन होता है इसका रीजन जो होता है वो क्या होता है आपका एंडोजीनस रीजन होता है समझ में आ गया ये एंडोजिन रीजन क्या होगा यानी कि हार्मोन का इंबैलेंस होना यहां पर क्या हो जाएगा मेन रीजन हो जाएगा ये बात तुम्हें पता लगी दूसरी बात क्या होती है कई बार यहां पर आपके एफसीसी एसिड के कंटेंट के बढ़ने की वजह से एफसीसी एसिड के कंटेंट की बढ़ने की वजह से और दूसरा ऑक्सीजन के कम होने की वजह से क्या हो जाता है ये दिक्कत देखने को मिलती है तो हम क्या करवाते हैं आपके पोस्ट हार्वेस्ट जो बेरी है उसका ड्रॉप जो है उसको रोकने के लिए हम एन या तो एन से या टू से मैक्सिमम जब भी आप लोग देखोगे तो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप रोकने के लिए आप तीन केमिकल मेनली यूज करते हो ठीक है उनमें से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आपका एनएए और एक आपका टू फोर डी इन दोनों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए तो हमेशा याद रखना कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हो ठीक है चलिए और याद रखना यहां पर जब आपके फ्रूट जो ड्रॉप होते हैं उनका अगर आपका टाइम से पहले जब आपके प्लांट के ऊपर प्रेजेंट थे उस समय अगर गिर रहे हैं तो फ्लावर ड्रॉप भी हो सकता है आपका स्मॉल फ्रूट ड्रॉप हो सकता है या फिर जून ड्रॉप भी जिसे हमें बोल सकते हैं ये तीनों कंडीशंस आपकी देखने को मिल सकती है तो अगर इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय आंसर हमारा एन ए टू फोर डी तैयार होना चाहिए कई बच्चे क्या करते हैं इनको गलतियां कर लेते हैं यार मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं इनको जरूर पढ़े लिखे क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार नहीं आता है बार बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर टोटल ड्राई डे इन कैटल कैटल के अंदर टोटल ड्राई डे कितने होते हैं जल्दी से आंसर कीजिए बहुत जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए टोटल ड्राई डे कैटल में कितने होते हैं देखो कैटल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काओ की बात की जा रही है मेरे और काओ में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए साठ से नब्बे दिन आपके क्या होते हैं यहाँ पर है, जो है आपके ड्राई डे होते हैं और बफेलो में कितने होते हैं 150 डेज होते हैं कितने होते हैं 150 डेज होते हैं ये आपका यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो टू से दो से ढाई महीने का टाइम दिया गया है, है? साठ से लेके आपका पचहत्तर आप तो साठ से नब्बे दिन जो होता है वो आपका यहां पर टाइमिंग आपका होता है अब देखो ये क्यों होता है क्या होता है ड्राई डेज का मतलब क्या होता है ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए देखो डियर क्या होता है कि आपका एक पीरियड होता है एक टाइम होता है जब आपका एनिमल जो है मिल्क प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है बंद कर देता है टिल नेक्स्ट काल्विंग लोग यहां पर क्या बोलते हैं आपका जो है प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है पोस्ट हार्वेस्ट नहीं आशीर्वाद जो है यहां पर उसको एक चीज में एक्सप्लेन करना चाहूंगा चलिए डोंट वरी देखो यहाँ पर आशीर्वाद ने एक क्वेश्चन बोला कि सर प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है पोस्ट हार्वेस्ट नहीं देखो डियर आपका जो ग्रेप होता है ना उसका गुच्छा होता है है ना उसके ऊपर इस प्रकार से आपके क्या होते हैं ग्रेप्स लगे होते हैं बेटा ठीक है और ग्रेप्स लगने होने की अब क्या होता है ये गुच्छा जब तक पड़ा हुआ होता है ये अच्छा लगता है देखने में भी अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छा लगता है और अगर ये गिर जाता है ना तो इसका पेडंकल आपका कही न, कहीं ना कहीं टूटना स्टार्ट हो जाता है या तो इसका देखो बेर का आपका टूट जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा उसकी क्वालिटीज होगी वो वहां पर आपकी खराब हो जाएगी ठीक है तो इस समय एक चीज याद रखना कि आपका जो क्वालिटी है वो खराब होने से बचने के लिए ही हम लोग यहां पर क्या करते हैं आपका जो है इसको रोकते हैं ना आपका फ्रूट को तोड़ने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद क्योंकि सिंगल सिंगल वो आपने कहानी भी सुनी होगी कि जब आप बिखर जाते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है उसी प्रकार से आप अगर एक जगह इकट्ठे होते हो तो आपकी वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन यहां पर जो अंगूर है अंगूर का गुच्छा होता है ग्रेप्स का एक जो बंच होता है अगर वो बंस है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है और जो आपके सिंगल सिंगल अंगूर होते हैं उसकी कीमत कम होती है कभी भी जाके मार्केट में देखना इसका रीजन ये होता है क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है और उसको हम बचाने के लिए है ना कई बार आपने सुना भी होगा कि हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट क्या करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है ग्रेप्स के अंदर वो सल्फर

दूसरा क्या होता है आपका आगे अगर रेस्ट नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में होगी मिल्क की वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी इसलिए ड्राई पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी होता है ठीक है तो काओ में जो ड्राई पीरियड होता है वो से दिन के बीच में होता है और जो बफेलो होती है उनमें डेज का आपका यहां पर ड्राई पीरियड होता है ठीक है चलिए ये हमारा यहां पर जो है आंसर है रहा उसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर इरीगेशन एरिया कवरेज अरे यार ये तो आपको पता ही होगा एक तो आपका होता है माइनर इरीगेशन ठीक है आपका प्रोजेक्ट दूसरा आपका यहां पर होता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है और स्मॉल इरिगेशन बोल दो या आपका यहां पर माइनर बोल दो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट और दूसरा हमारा है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और तीसरा हमारा यहां पर आ जाएगा मेजर या लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट देखो डियर ये यह आपका यहां पर अगर हम बात करें तो लेस देन टू थाउजेंड हेक्टेयर एरिया होगा तो वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा टू थाउजेंड टू टेन थाउजेंड हेक्टेयर एरिया होगा तो वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा आपका मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा और मोर देन टेन थाउजेंड हेक्टेयर एरिया हो जाएगा तो वो हमारा यहां पर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका जब भी हम बात करते हैं जैसे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस समय यहां पर याद रखना वन ट्वेंटी रोंग है क्या सर हाँ 120 तो रोंग चला जाएगा ना अगर आपके काओ की बात करोगे तो 120 ट्वेंटी रोंग चला जाएगा रुकिए एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद में आता हूँ उस बात पे देखो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या है आपका जो है यहाँ पर जो है 2000 और इसमें 2000 से 10000 और ये मोर देन 10000 ठीक है उसी के साथ अगर हम बात करें तो कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया में क्या डिफरेंस होता है स्वीटी ने क्वेश्चन पूछा है चलिए देखो डियर आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया में डिफरेंस क्या होता है मान के चलिए आप सब लोगों की मैं क्लास ले रहा हूं ठीक है और आपकी क्लास हमें एक रूम में ले रहे हैं ठीक है अब जैसे आप लोग घर पे नहीं हो ऑफलाइन में आए हुए हो और यहां पर आप ऑफलाइन में बैठे हुए हो सब लोग जब तक आप लोग क्लास में बैठे रहोगे तब तक आप लोगों के ऊपर मेरी कमांड रहेगी कमांड का मतलब कि जब तक आप लोग क्लास में हूं तब तक मैं आप लोगों को बोलने नहीं दूंगा आपको मोबाइल नहीं बाहर निकालने दूंगा आपके ऊपर मैं कमांड कर सकता हूं लेकिन जैसे ही आप क्लास से बाहर निकले आपके ऊपर मेरी कोई कमांड नहीं होगी समझ में आया मैंने क्या बोला आपके ऊपर मेरी कोई भी कमांड नहीं होगी तो आप लोग मेरे से बाहर चले गए वहां पर अब आपके ऊपर मेरा ऑर्डर नहीं चलेगा तो एक एरिया स्पेसिफाई हो गया उस रूम का जिसके अंदर हमने बोला कमांड एरिया उसके बाद में कैचमेंट एरिया क्या होता है कैचमेंट एरिया का मतलब होता है पानी हमने जो दिया था उससे कितना एरिया कवर हो पाए जैसे एक फील्ड है, तो है एक नदी में वो भी कैचमेंट एरिया है एक पोन्ड का बेसिन है वो भी कैचमेंट एरिया है एक कि झील है उसका भी आपका यहां पर क्या है आपका जो है कैचमेंट एरिया है समझ में आ गया तो याद रखना ये हमारा यहां पर अकॉर्डिंग टू नबार्ड डे वन

कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट नोट मोर देन वन करोड़ अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन क्या होना चाहिए वन करोड़ होना चाहिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका एनुअल टर्न है वो आपका क्या होना चाहिए लेस देन फाइव करोड़ होना चाहिए ठीक है तो आपका एनुअल टर्न लेस देन फाइव करोड़ और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन वन करोड़ आपका होना चाहिए स्मॉल में क्या होना चाहिए आपका जो है 1 से करोड़ आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्न जो है वो आपका फाइव टू फिफ्टी करोड़ होना चाहिए ये हमारा है स्मॉल और उसके बाद में आता है मीडियम मीडियम में क्या होता है लेस देन 50 सॉरी मोर देन फिफ्टी करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है और आपका

इसको स्कीम स्कीम को लॉन्च किया गया गया था और इस स्कीम में बोला प्रधानमंत्री जी ने उस समय अनाउंस किया था कि दो परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड आपके एमएसएमई है चाहे वो फ्रेश है या फिर आपके उनके इंक्रीमेंटल लोन है उनके लिए भी तो एमएसएमई जो है वो आपका हंड्रेड लैख हंड्रेड लैख का मतलब होता है एक करोड़ रुपया कितना होता है एक करोड़ तक के ये आपको जो है अमाउंट यहां पर है, मिलेगा समझ में आया तो ये यहां पर आपका क्या रहा जो टू परसेंट सबसे दिया जा रहा है वो आपका हंड्रेड लैख तक लिए दिया जा रहा है या फिर एक करोड़ तक लिए ही दिया जा रहा है ठीक है तो हमेशा याद रखना यहां पर अगर क्वेश्चन आ रहा है इस प्रकार से तो आपका आंसर क्या नहीं गलत है होना नहीं चाहिए ठीक है चलिए <laughs> एक सेकेंड आ, सर मिनिमम एरिया अंडर कमांड एरिया मीनस क्वेश्चन समझ में नहीं आया राम का एफ ओ मेन्स में ही आएंगे क्वेश्चन देखो डियर मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन इतना है कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को रिपीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जब भी कोई एग्जाम आया है मैंने हंड्रेड कोशिश की है कि मैं उस एग्जाम को एक्सप्लेन करूं चाहे वो स्टेट का एग्जाम था चाहे वो सेंटर का एग्जाम था इसलिए एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोग कभी उसके बारे में डाउट ना और उसकी एक्सप्लेनेशन भी इतनी अच्छे से देने की कोशिश करता हूं ताकि उसमें अगर कोई दिक्कत तो तो भी आप लोग आंसर आंसर आराम से से कर तो अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैं? अगला हमारा क्या है? चिक एग आफ्टर हाँ चिक जो है जो वो कितने दिनों के बाद आपके एग करते चलिए जल्दी एट्टी क्या चीज है ये इसका एग हैचिंग डेज एग हैचिंग डेज जल्दी बोलिए आंसर वेरी गुड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन वेरी गुड बहुत ही बढ़िया आप सब लोग जानते होंगे आपका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है है ना जितने दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है उतने ही दिन में हमारा एग जो होता है वो क्या कर जाता है हैच कर जाता है तो इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 21 डेज तो 21 डेज में ही हमारा एग क्या कर जाएगा हैच कर जाएगा ठीक है तो 21 से 23 डेज कभी रेंज हो सकती है अगर ये आपके लिखी हुई है तो आंसर यहां पर आपका ये चला जाएगा ठीक है क्योंकि एक दो दिन का कभी डिफरेंस आपका आ सकता है चलिए तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द सीड रेट फॉर मीडियम साइज ग्रेन ऑफ व्हीट क्या होता है आपका जो मीडियम साइज ग्रेन होता है व्हीट का उसके लिए सीड रेट क्या होगा ठीक है तो यहां पर 38 ग्राम आपका जो है 1000 सीड का वेट लिखा गया है तो इसका आंसर वैसे यहां पर आपका कितना है 100 आपका जो है किलोग्राम है ठीक है कैसे देखो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि जो मीडियम साइज की वेराइटीज होती है उनके लिए सीड रेट आपका 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है गेहूं की ठीक की है की. और उसके बाद फॉर लेट चोन सीड रेट इज 125 ट्वेंटी फाइव टू वन किलोग्राम पर हेक्टेयर और स्पेसिंग जो होता है वो 22.5 सेंटीमीटर इज रिकमेंडेड ऑप्टिमम फॉर इरिगेटेड टाइमली सोइन वीट फॉर इरिगेटेड लेट सोइंग स्पेसिंग रिड्यूस्ड 15 टू 18 सेंटीमीटर क्या बोला गया इरिगेटेड एरिया के लिए और टाइमली सोइंग के लिए स्पेसिंग ये होना चाहिए लेकिन अगर लेट सोइंग की बात कर रहे हैं और आपका यहां पर जो है, आपका वहाँ पर जो है है आपका आपका वहां पर 15 टू 18 सेंटीमीटर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा क्यों क्योंकि वहां पर प्लांट के खराब होने के चांसेस जो रहेंगे वो ज्यादा हो जाएंगे समझ में आ गया तो इस चीज को हमेशा आप लोग याद है रखना कुछ लोग बोल रहे हैं सर 130 130 130 देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूं कई बार क्या होता है हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं है ना आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वीट है ना आप लोगों को जैसे ही मैंने बोला कि यार वीट के बारे में आप लोग जानते हो आप लोग बोलो हाँ सर मुझे वीट के बारे में सब कुछ पता है अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और वो भी वीट के ऊपर क्वेश्चन था हम लोग यहीं पर अपना क्या हो गए कंफ्यूज हो गए देखो एक चीज समझाता हूँ आपको बहुत अच्छी आज मैं क्लासरूम में भी ऑफलाइन क्लासरूम में बता रहा था बच्चों को देखो क्या होता है हम लोग ना कई बार बिना मतलब कि कुछ बहस करना स्टार्ट कर देते हैं कई बार कि हाँ यार सर मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे ये चीज नॉलेज है तो एक मैंने ये कहानी भी आपको आज टेलीग्राम में अपलोड की थी अगर आप लोगों ने पढ़ी है कि एक गधे के साथ कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए है ना क्यों मैं समझाता हूं क्या हुआ था टाइगर था टाइगर को गधे ने पूछा और बोला कि ग्रास जो होता है घास जो होता है वो ग्रीन आपका ब्लू होता है ग्रीन नहीं होता तो टाइगर बोला नहीं ये ग्रीन होता है ब्लू नहीं होता तो दोनों में बहस चली कुछ देर तक उसके बाद क्या हुआ दोनों के दोनों आपके किंग जो जंगल का राजा होता है शेर उसके पास गए और जाकर बोले और गधे ने बोला कि सर जो आपका ग्रास होता है घास होता है वो क्या होता है ब्लू होता है ग्रीन नहीं होता ना तो राजा बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये ग्रीन नहीं होता आपका ब्लू होता है नीला होता है तो टाइगर ने सोचा यार ये क्या चीज है तो फिर गधे ने बोला कि सर टाइगर को जो है टाइगर बोल रहा है कि ग्रीन होता है इसको सजा दीजिए फिर टाइगर को सजा दी गई कि एक साल तक के लिए तू बोलेगा नहीं तू चुप रहेगा किसी के साथ भी नहीं बोलेगा मौन धारण करेगा अब यहां पर क्या हुआ कि आपका टाइगर ने राजा से पूछा बाद में कि मैं आप जानते हो कि ग्रास जो होता है वो ग्रीन होता है फिर आपने मुझे सजा क्यों दी तो उस समय आपका राजा बोलता है कि दिक्कत यहां पर ये है कि आपका बोलना सही है घास जो होता है वो ग्रीन ही होता है इसमें कोई दो नहीं है लेकिन जिस पर्सन के साथ तूने बहस की थी वो गधा था और गधे के साथ अगर बहस करोगे तो वहां पर अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और दूसरों का टाइम भी वेस्ट वेस्ट करोगे तो यहां पर तुमने इस एक बेकूफ क्वेश्चन के लिए मेरा टाइम वेस्ट किया इसके लिए तुम्हें सजा दी गई है और आगे से तुम ऐसे लोगों के साथ ना करो इसलिए आपको यहां पर यह सजा दी गई है तो यहां पर इस मतलब को समझिए

करते हैं अगले क्वेश्चन को चलिए अगला क्वेश्चन है मोनोलोरिन प्रेजेंट इन देखो मोनोलोरिन जो होता होता है है वो किस में प्रेजेंट देखो जो मोनोलोरिन होता है वो आपका यहां पर, आ, सर वीट पर जो आपका ए आई सी एम टी में क्वेश्चन था उसमें टेस्ट वेट अगर थर्टी एट ग्राम है तो सीड रेट क्या होगी जो भेरा राम ने क्वेश्चन पूछा कि सर यहां पर जो एक सेकंड में आपको एक दिखाई देता हूं क्वेश्चन जो था कि सर 38 ग्राम जो है उसके अकॉर्डिंग हजार सीड के लिए आपका सीड रेट क्या होगा देखो देखो यहाँ पर क्या होता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली में जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट क्या होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास स्पेसिंग प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज हमारे पास यहां पर जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए मैं घबरा नहीं रहा हूं यहां पर मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो जरूरी है ठीक है अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी इस प्रकार से आ जाए तो आप लोग भी इस चीज को आंसर कर सको एक होता है स्पेसिंग एक होता है जर्मिनेशन परसेंटेज एक आपका यहां पर होता है आपका प्योरिटी परसेंटेज है ना ये आपके पास होना चाहिए तभी आप लोग क्या कर पाओगे इसका राइट आंसर कर पाओगे बोलोगे सर कैसे देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको अच्छे से चीज को जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें एरिया भी कितने एरिया में लगाया जा रहा है तो एरिया हम लोग जानते हैं कि हमारा एरिया जो है वो कितना होगा अब जो भी है कितने हेक्टेयर के लिए है एकड़ के लिए है तो हेक्टेयर के लिए होगा तो आपका टेन थाउजेंड हेक्टेयर एरिया हो जाएगा टेन थाउजेंड मीटर एरिया आपका हो, हो जाएगा ठीक है उसके साथ यहां पर इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो आपका सीड रेट कैसे निकालोगे तो अगला हमारा यहां पर है जो टेस्ट वेट था वो यहां पर आपका आ जाएगा ठीक है और इसके बाद में यहां पर नीचे आप लोग क्या लिखोगे इसमें सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखोगे स्पेसिंग जो स्पेसिंग आपका होता है वो कितना है इन मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहां पर सेवन और सेवन और उसके बाद यहाँ पर जो आपका आएगा 24 by 7, आ गया, उसके बाद, और आपका फोर बाई ये हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग समथिंग ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है सीड रेट को निकालने के लिए जब आपकी ये सारी चीजें दी हुई हो अब हम नहीं जानते उसके अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में यहां पर आपका थाउजेंड भी हो जाएगा ये हमारा जो है एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है सीड रेट को निकालने के लिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इनको जरूर करें ठीक है तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग है बाकी चीजें अगर दी हुई हो तभी तो, तो हम बोल सकते हैं अदरवाइज आंसर करना जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला हमारा है मोनोलोरिन प्रेजेंट इन मोनोलोरिन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है देखो डियर मोनोलोरिन जो है वो एक केमिकल है जो कि आपका लोरिक एसिड से बनता है अब यहां पर ये बता दूं कि ये कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है और आपका ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है एक्चुअल में क्या है कि विर्जिन जो आपका कोकोनट ऑयल होता है वो हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके इस एक चीज और भी याद रखना कि मदर ऑफ ऑल ऑयल जो है वो किसको बोला जाता है तो कोकोनट ऑयल को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका यहां पर जो है आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल को हम क्या बोलते हैं यहां पर आपका मदर ऑफ ऑल ऑयल बोलते हैं इसके अंदर आपका एक फैटी एसिड पर्टिकुलरली लोरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं ये इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है और याद रखना कि ये आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर मिनरल वाइटामिन एंटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और आपका याद रखना कि 50% लोरिक एसिड इसमें अप्रोक्सिमेटली प्रेजेंट होता है और जैसे ही ये लॉरिक एसिड क्या करता है ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो वहां पर ये मोनोलोरिन में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका इम्यूनिटी को क्या करता है एनहेंस करने का काम करता है इंप्रूव करने का काम करता है समझ में आया तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले एग्जाम के लिए भी ठीक है तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आप लोग आंसर यहां पर आराम से कर सकते हैं लेकिन वो चीज आपको पहले पता होनी चाहिए अगला क्वेश्चन है स्वस्थ धरा खेत अंडर विच स्कीम अरे वाह ये तो स्लोगन है ना आपका किसी स्कीम का आपको याद होगा आई थिंक कई बार स्कीम को हम डिस्कस कर चुके हैं सोयल हेल्थ कार्ड

और फिजिकल पैरामीटर में आपका पीएच ईसी और यहां पर आपका क्या रहेगा ओसी रहेगा उसके बाद आपका यहां पर जो है मैक्रोन्यूट्रिय होते हैं मैक्रो में अगर हम बात करें तो प्राइमरी न्यूट्रिय होंगे आपके तीन नाइट्रोजन फोस्फोरस और पोटास और आपके सेकेंडरी न्यूट्रिय यहां पर कितने होते हैं एक ही होता है सल्फर और आपका माइक्रो न्यूट्रिय यहां पर रहेगा कौन कौन से जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज बोरॉन और मोलिबिडेनम ये हमारे पांच न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके सोयल हेल्थ कार्ड में माइक्रो न्यूट्रिएंट को चेक किया जाता है तो देखिए पांच और एक छे, छे और तीन नौ नो, नो और तीन बारह बारह न्यूट्रेंट को हम यहां पर आपका चेक करते हैं किसके अंडर में आपके सोयल हेल्थ कार्ड के अंडर में समझ में आ गया तो हमेशा ये लोग आप इन चीजों को जरूर पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर कर सको और सोयल हेल्थ कार्ड में सैंपल जो लिया जाता है वो आपका फाइव ग्राम लिया जाता है कितना पांच ग्राम लिया जाता है और याद रखना जो आपका सोयल

तो ये आपका यहां पर है, आ, इनको आप लोग याद कर सकते हैं सर मेरे को हिंदी नहीं आती तो लिख क्या रहा है भाई क्वेश्चन हिंदी में पूछा है बोल रहा है हिंदी नहीं आती ये कैसे पॉसिबल है भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है 1959 में स्टार्ट हुआ था हेडक्वार्टर इसका कहां है लखनऊ में है ठीक है तो इसको भी आप लोग याद और मे बी रेड सिंधी ड्रॉफ्ट परपस अरे नहीं मेरे भाई किसने बोल दिया ऐसा नहीं है सिल्क वर्म सिल्क वर्म के रिलेटेड क्या कहानी है देखो सिल्क वर्म में आपका आई थिंक सो जनरेशन के बारे में पूछा गया था कि तीन या तीन से ज्यादा जनरेशन अगर हम रेयर करते हैं तो उसको हम यहां पर किस में बोलेंगे कौन सी चीज में बोलेंगे देखो आपका यूनिवोलटाइन जो सिल्क वर्म होता है उसको हम बोलते हैं अगर आपका वन ब्रूड या वन जनरेशन पर ईयर हम रेर करते हैं तो उसको हम यहां पर बोलेंगे आपका यूनिवोल्टाइन सिल्को बाई वोल्टाइन सिल्कव होते हैं अगर हम टू ब्रूड या फिर आपके टू जनरेशन जो है पर ईयर में अगर हम रेर करते हैं तो उसको हम यहां पर बोलेंगे बाई वोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन होते हैं अगर हम यहां पर मोर देन टू जनरेशन या मोर देन टू ब्रूड आप लोग यहां पर आपका करते हैं तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं आपका जो है आपका मल्टी वोल्टाइन सिल्कवॉम बोलते हैं क्वेश्चन uh, यहां पर पूछा सर डेफ्थ कितनी होती है देखो डेफ्थ का अगर हम बात करें तो याद रखना आपका 15 सेंटीमीटर डेफ्थ रहेगा कितना रहेगा 15 टू 20 सेंटीमीटर आपकी रेंज होती है लेकिन अगर पूछ ले से है? सोयल है, सोयल की की सेंटीमीटर तो और याद रखना हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए यही डेफ्थ आपकी हंड्रेड टू वन सेंटीमीटर चली जाएगी कितनी चली जाएगी हंड्रेड टू वन सेंटीमीटर चली जाएगी समझ में आया चलिए तो लव यू सर लव यू भाई लव यू ऑल सबको बहुत सारा प्यार चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज शब्स एंड वुडी प्लांट फॉर शेडिंग एंड डेकोरेटिंग और शेडिंग और डेकोरेटिंग नाइनटीन के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एफ तो में, में आपको याद होना चाहिए ठीक है तो यहां पर आपका यहां पर यह क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था ठीक है चलिए तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं और इसी के साथ आपकी दो

टू ट्वेंटी फोर ओनली स्टूडेंट है ना जल्दी से <coughs> जितना देखो किंग ऑफ स्पाइसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो किंग ऑफ स्पाइसेस आप लोग जानते होंगे ब्लैक पेपर निग्रम, फैमिली कौन सी है इसकी पिपरेसी और याद रखना इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते जाना जाता है, ठीक है? ठीक ऑफ द वेरी फर्स्ट आइटम ऑफ कॉमर्स इंडिया एंड यूरोप इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ट्रेडेड आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है ठीक है चलिए गार्डन थर्टी परसेंट ऑफ टोटल बिल्कुल सही बात है जी अरे कहीं भी पढ़ाता था अब तो कहां पढ़ाता हूं वो देख लो ना ठीक है चलिए आपका हर जगह जो चीज़ होती है हर टाइम और जगह के अकॉर्डिंग बदल जाती है ठीक है कुछ समय के अनुसार कुछ स्थितियों के अनुसार कुछ कंडीशन के अनुसार और जो जगह बदलनी पड़ती है उसका रीज़न होते हैं है ना कुछ चीज़ें होती हैं और बाकी चीज़ों को देखो कहीं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो आप उस जगह पर सही रहने चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सही हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है ठीक है चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला हमारा है सेकेंडरी और सेडिमेंटरी रोग अरे यार सेकेंडरी और सेडिमेंट्री रोग से क्वेश्चन पूछा गया था आ, आपका सेकेंडरी रोग जो होती है देखो एग्जांपल तो आपके सामने है सैंडस्टोन सेल लाइमस्टोन डोलोमाइट ये हमारे जो है आपके सेडिमेंट्री रोग के आपके कहीं ना कहीं पार्ट है और याद रखना आपका जो ये सेडिमेंटरी रोक होती है वो आपका जो रोक है प्री एग्जिस्टिंग रोक है उनके ब्रेकडाउन होने के बाद इसकी जो वेदरिंग होती है चार आपकी जो है कहीं ना कहीं स्टेजेस होती है जिसमें पहले वेदरिंग होगा फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा फिर डिपोजिशन होगा फिर आपका डायजेनिशिस होगा तो ये आपका आई थिंक तो पीछे किसी एग्जाम में भी पूछा गया था तो अगर ये पूछा जाए तो एग्जाम में आप लोग

अगला क्वेश्चन था एंटीसीडेंट सॉयल मॉइस्चर कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय प्रीवियस हाउ मेनी डेज रेनफॉल यानी कि आपके कितने डेज रेनफॉल से हम लोग इसको जो है आपका डिटरमाइन कर सकते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा फाइव डेज ठीक है उसी के साथ आपका यहां पर एक क्वेश्चन था

अरे भाई कौन सी पेमेंट है ऑनलाइन कोर्स करना है तो टेन थाउजेंड है ऑफलाइन करना है तो फिफ्टीन थाउजेंड है कहानी खत्म आइए वापिस इंद्रावास योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो इंदिरा आवास योजना आपको पता होगा 1985 में लॉन्च की गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्कीम की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब 1996 के अंदर उसका कुछ बोला जा रहा है कि लॉन्चिंग री लॉन्चिंग हुई थी समथिंग इसके अंदर चेंज किया गया था और बाद में 2015 में इसको नाम चेंज कर दिया गया था और अभी इसका नाम क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना है ठीक है चलिए Uh, भाई क्वेश्चन आया था नहीं आया था बच्चों ने मुझे भेजा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और देखो अब आप लोग जानते हो फॉर ए प्लेट द नंबर ऑफ रेवल्यूशन बाई फोर्टी टू डायमीटर ग्राउंड विल स्पेसिंग ऑफ सीड प्लांटर इज देखो इसके अंदर में अगर हम बात करें तो आपका आंसर जो जाएगा वो आपका सिक्स जाएगा क्या जाएगा आपका सिक्स जाएगा और ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ठीक है इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर है, जो है क्या रहेगा आपका जो है ब्लैक गोल्ड इज ओपियम पॉपी वेरी गुड बहुत बढ़िया है ना चलिए

अच्छा मिनिस्ट्री बताना भूल गया था क्या बिल्कुल बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भाई बिल्कुल सही बात है उसका आंसर होगा अच्छा सब्लिमेशन आया था सब्लिमेशन क्या होता है सब्लिमेशन होता है जब जो हो वो आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं चलो जो भी क्वेश्चन आया था कोई दिक्कत नहीं है हमारा आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा ठीक है तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो आप लोग इनको आप आराम से क्लियर कर दीजिए ठीक है चलिए आपका ये रहा जी आपका आज का सेशन इसमें हमने कवर किया जितना हो सकता था मैक्सिमम होप सो आपका पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा जितने क्वेश्चन हमारे पास थे उतने हमने एक्सप्लेन कर दिए अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो वो भेज दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर कर दिया जाएगा और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो एग्रीमेंटर्स को तो आप जो है नाइन थ्री जीरो सिक्स जीरो टू वन डबल वन जीरो पर कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं सेवन फरवरी से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है इस साल एग्जाम के लिए हम लोग लगातार आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं ठीक है जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट और क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा केवल लाइव होगा केवल क्या होगा लाइव होगा वो आपको रिकॉर्डेड नहीं दिया जाएगा कल शाम में आपका ये सेशन मिलेगा तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट यहां पर हो सके और जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें तो अगर आपको जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है तो आपके जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करें अगर आप लोग कहीं ना कहीं एफर्ट्स को पसंद कर रहे हैं तो चलिए गाइज थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत